करवाने का आइडिया कहाँ से मिला? ये तो हमारे योगेंद्र शर्मा जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनकी दूरदृष्टि है। उन्होंने आज का दिन इन्होंने निश्चित किया था कि हम लोग को 17 तारीख है, और क्योंकि 15 अगस्त और रक्षाबंधन के बीच में है और काफी लोग आए रहेंगे बाहर से, इसलिए मैंने ये डिसाइड करी जो है आगे भी कर। और हाँ, हम लोग तो हर वर्ष करेंगे और अगस्त का महीना हम लोग को सूट भी करता है, और क्योंकि हमारी कृपा है योगेंद्र शर्मा जी की हमारे ऊपर, तो इसको जरूर करते आएंगे। जो ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा, ये एक बार स्थापित हो चुका है और ये अनवरत चलता रहेगा। और ये हमारे गोरख, बहुत सालों पहले मैंने यहाँ पे आयोजन किया था, तब एक नई आशा का बहुत योगदान, बहुत सहयोग मिला था उस कार्यक्रम में। तब से मेरा मन था कि ये एक नई आशा को एक कवि सम्मेलन प्रतिवर्ष करना चाहिए। पिछले साल से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है और अब कभी रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला चलेगा। रुकेगा तो मैं नहीं रुकने दूंगा। गोरखपुर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी तीर्थ यात्रा पे आए हैं। गोरखपुर आते हैं तो कविता सुनाने ऐसे लोग यहाँ मिलते हैं, कविता सुनने वाले कि और जगह नहीं मिलते ऐसे लोग। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके कविता सुनाना। कुछ तो गोरक्षधाम का भी प्रभाव हो सकता है कि यहाँ पे लोग जो है श्रद्धा भक्ति से भरे रहते हैं, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। और जिस प्रकार पूरे विश्व में माननीय आदित्यनाथ जी योगी का नाम पहुँचा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इस वजह से भी यहाँ लोगों की चेतना हमें आनंद प्रदान करती है और हमें गर्व होता है कि हम लोग वहाँ खड़े होकर कविता पढ़ रहे हैं जहाँ गोरक्षनाथ की धरती है।